आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, यह है न्यूज टाइम। बसपा ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काटकर मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया। श्याम सिंह ने कहा, पार्टी के आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। फतेहपुर सीकरी लोकसभा से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद का विवादित बयान आया सामने। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले का हाथ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी ने श्याम लाल पाल को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर लोकसभा सीट से हैं मैदान में, इसलिए किया गया बदलाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायबरेली सीट की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अमेठी सीट की जिम्मेदारी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को सौंपी। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर बड़ा बयान, बोले, जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल ने कहा था कांग्रेस सरकार बनने पर वे राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे, राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सोमवार को सीएम योगी ने हरदोई शाहजहांपुर में जनसभा कर विपक्ष को घेरा, बोले, देश के अंदर एक तरफ श्री राम के भक्त और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। इस्कॉन इंडिया अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोस्वामी का पार्थिव शरीर देहरादून से वृंदावन लाया गया। गोपाल कृष्ण का रविवार को हो गया था निधन, पार्थिव शरीर को दी जाएगी भू समाधि। यूपी में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 7 से लेकर 11 मई तक कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना। बरेली की बारादरी थाना क्षेत्र में बहन के लव मैरिज करने से खफा भाई ने अपनी जीजा की चाकू से निर्मम हत्या कर दी। बहन पति के साथ अपनी बीमार मां को देखने पहुंची थी मायके। कानपुर में प्रेमिका निकली 45 साल की शादीशुदा तो प्रेमी ने मार डाला। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद परवान चढ़ा था प्यार, युवक की पिटाई से घायल प्रेमिका ने अस्पताल में तोड़ा दम। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।